नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों, बिहार पंचायती राज विभाग को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, कुल 10,000 पदों की भर्ती को लेकर। जी हां, अभी लेखापाल सह आईटी सहायक और तकनीकी सहायक का अभी काउंसलिंग समाप्त भी नहीं हुआ है और यहां पर लेकर आ गया है बिहार पंचायती राज कुल 10,000 पदों के लिए भर्ती। तो दोस्तों, बिहार में फिर से आई है भर्ती, इसके बारे में हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में। हमारे साथ बने रहिएगा पूरे इस सिनारियो पे, तो हम आपको लेकर चलेंगे इसकी ऑफिशियल न्यूज़ पे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था बिहार पंचायती राज और लेखापाल सह आईटी सहायक की। जी हाँ दोस्तों, अभी हर जिले का काउंसलिंग समाप्त भी नहीं हुआ है। कुछ कुछ जिलों में जैसे कि दरभंगा, बेगूसराय, इन सब जिलों में यहाँ पर काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दिया जा रहा है। जी हाँ, ज्वाइनिंग लिस्ट मैंने आपको दिखलाई थी अपने एक वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो न्यूज़ निकल कर आई है पंचायती राज विभाग में, ये न्यूज़ है स्थाई जॉब्स की। जी हाँ, स्थाई जॉब कहने का मतलब है यहाँ पे परमानेंट जॉब की बात की जा रही है। और संविदा, जी हाँ, संविदा कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जॉब निकलने वाली है उसके आधार पे वो नियुक्तियां यहाँ पे होने वाली हैं। तो कुल 10,000, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 10,000 नियुक्तियां लेकर आई है बिहार पंचायत विभाग। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि नए साल में पंचायती राज विभाग में 10,000 से अधिक नियुक्तियां, यानी कि जो नया साल 2019 शुरू होने वाला है इस साल में आपको 10,000 पंचायती राज विभाग से ही भर्ती निकल कर आ रही है। बात कर ले यहाँ पे लेखापाल और तकनीकी सहायकों की नियुक्ति के लिए, तो अभी इसकी काउंसलिंग चल ही रही है और समाप्त हो चुकी है और कुछ कुछ जिलों में इसकी सेकेंड मेरिट लिस्ट भी नहीं आई है अभी तक फिलहाल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 4192 पदों की जिसकी वैकेंसी अभी चल रही थी उस पर काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर जो टोटल 10,000 पदों की भर्ती की बात कह रहा है हिंदुस्तान खबर कि यहाँ पर नए साल में पंचायती राज विभाग में कुल 10,000 से अधिक नियुक्तियाँ होंगी, तो इसकी पुष्टि की है अखबार में यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अंकेक्षक यानी कि जो ऑडिटर के पोस्ट हैं पंचायती विभाग राज में, यहाँ पे ऑडिटर के, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो दिया है आपको इस वैकेंसी के बारे में कि 800 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है। तो ऑडिटर का पोस्ट भी डायरेक्ट भर्ती होगा दोस्तों, कोई उसका एग्जाम नहीं होगा, आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। और यहाँ पे जो पंचायती राज विभाग में होगा ये भी आपकी सीधी भर्ती ही होने वाली है। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार और कह दूँ कि दूसरी ओर विभाग में पहली बार अभियंता संवर्ग यानी कि इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट के लिए गठन किया जा रहा है, जिसके तहत 1884 पदों का सृजन के प्रति चल रही है वार्ता और विभाग प्रस्ताव के तैयार कर हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर चुका है। साथ ही साथ कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 1884 पदों पर अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स की भी स्थायी बहाली होगी। स्थायी कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि परमानेंट जॉब होगी यहाँ पर। इसी प्रकार अंकेक्षक की भी स्थायी नियुक्ति की प्रस्ताव को तैयार किया गया है। अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर के भी पोस्ट को यहाँ पे लेकर आया जा रहा है, तो ये विभाग में बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकलने वाली है दोस्तों। तो आप लोग भी अपनी कमर कस लें, तैयार रहें, क्योंकि पंचायती राज विभाग ने पहले प्रस्ताव में बताया है कि 4 पंचायतों में एक अंकेक्षक होंगे, यानी कि हर 4 पंचायत में, ग्राम पंचायत में आपको एक ऑडिटर दिया जाएगा जिसकी वहां पे नियुक्ति की जाएगी। राज्य स्तर की बात कर लें तो राज्य स्तर पर भी अंकेक्षक रखे जाएंगे, हालांकि बाद में 12 पंचायतों पर एक अंकेक्षक रखने की बात की गई है। पहले कहा गया था यहां पर कि 4 पंचायतों पे एक ऑडिटर होगा और अब यहां पे कहा गया है कि 12 पंचायतों में सिर्फ एक अंकेक्षक होंगे। तो यहां पर जो शॉर्टेज हुई है इनकी जो नियुक्ति को लेकर 800 अंकेक्षकों की, तो इसमें हो सकता है कि बढ़ावा दिया जाए इनके पोस्ट को भी, ठीक है। तो यहां पे पद बढ़ सकते हैं, 800 से भी ज़्यादा अंकेक्षक की बहाली हो सकती है। और यहां पर बोला गया है कि यह भी नियुक्ति स्थायी होगी और जल्द ही से इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
और करीब 800 अंक इच्छुकों की नियुक्ति होगी। राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल, अब देखो मॉनिटरिंग सेल क्या है, तो ये भी एक पोस्ट है जो कि ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त होते हैं, तो मॉनिटरिंग सेल की भी नियुक्ति होगी और उसका गठन किया जाएगा कुल 460 कर्मियों की संविदा पर। जी हाँ, मॉनिटरिंग सेल में जो वैकेंसी होगी उसमें कुल 460 जो कर्मी होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लें सबसे पहले कि आपका परमानेंट जॉब भी हो रहा है, दूसरी बात कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी जॉब हो रहा है। तो दोस्तों ये न्यूज़ पहुँचानी थी आप तक, इस पूरे सिनारियो तक मैंने आप इस पूरे सिनारियो का अब तक न्यूज़ पहुंचाया है। इस न्यूज़ को बहुत ही ध्यान से आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। ये आज के हिंदुस्तान खबर में निकली हुई एक न्यूज़ है जिसके जरिए बताया गया है कि सूबे में नए साल में होगी कुल 10,000 नियुक्तियां। जी हाँ दोस्तों, तो 10,000 नियुक्तियां होने वाली हैं, आप भी तैयार रहें इस जॉब को लेने के लिए। तो ये न्यूज़ आप तक पहुँचानी थी, हमारा यही धैर्य था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी ये न्यूज़ जा सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।